दोस्तों कभी पुनर्विवाह सीरियल में यश बनकर तो फिर कभी रामायण सीरियल में भगवान श्री राम बनकर सभी के दिलों को मोहने वाली अभिनेता गुरमीत चौधरी टीवी इंडस्ट्री के उन्हीं अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने काफी कम समय में अपनी मेहनत और मशक्कत से टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपना अलग ही रुतबा और अपनी अलग जगह कायम की है। तभी तो आज ये दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं राज। लेकिन दोस्तों यूं तो आप सभी अभिनेता गुरमीत चौधरी के बारे में सारी बातें जानते होंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस अचीवमेंट को हासिल करने से पहले इनका जीवन आखिरकार कैसा था, ये क्या क्या करते थे और किस तरह से इन्होंने इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। अगर आप भी इनकी इन्हीं सब बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, और साथ ही साथ इस दमदार अभिनेता के लिए और इस चार्मिंग लुक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभिनेता गुरमीत चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1984 को चंडीगढ़ के भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वैसे तो दोस्तों गुरमीत जयाराम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर हैं जिसके चलते उनकी पोस्टिंग अदर जगह पर होती रहती थी और इसी वजह से इनकी सारी पढ़ाई और बचपन भी अलग अलग जगह से ही पूरा हुआ है। वहीं बात करें अभिनेता गुरमीत चौधरी फेम पाने से पहले कैसी लाइफ स्पेंड किया करते थे और आखिर वो अपनी लाइफ में क्या किया करते थे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि गुरमीत चौधरी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इनके पिता भी यही चाहते थे कि ये भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए आर्मी में अपना करियर बनाए। लेकिन शुरुआत से ही गुरमीत चौधरी को इस फील्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो एक मॉडल बनना चाहते थे और अपने लाइफ में अचीवमेंट हासिल करना चाहते थे। इसलिए एक दिन बिना बताए ये घर से भाग कर मुंबई चले आए, जिसके बाद तो इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि मुंबई एक ऐसी माया नगरी है दोस्तों जहां एक किराए का कमरा भी नसीब नहीं होता है। और दुख की बात तो ये है जब इनकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अपना पेट पालने और सपने को पूरा करने के लिए कोलाबा के एक स्टोर में वॉचमैन के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह से ये काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद ऑडिशंस देने स्टार्ट करने लगे, जहां इन्हें एक एड शूट में काम करने का मौका मिला जिसमें काम करने के लिए इन्हें 1500 रुपये दिए गए थे जो इनकी पहली सैलरी थी। जो इसी लगन और मेहनत को देखते हुए इन्हें साल 2004 में ये मेरी लाइफ है शो में काम करने का मौका मिला था, जिसे एक्सेप्ट कर इन्होंने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत कर ली थी, जिसके बाद इन्होंने कुमकुम एक प्यारा सा बंधन शो में काम किया। लेकिन इन्हें कोई पहचान तब भी हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन इनकी किस्मत तो तब चमक उठी जब इन्हें साल 2008 में धार्मिक सीरियल रामायण में श्री राम भगवान का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने भगवान राम के किरदार को इतनी परफेक्शन और खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा कि असल लाइफ में भी लोग तो इन्हें भगवान राम ही मान बैठे थे। तभी तो आगे चलकर इन्हें गीत हुई सबसे पराई और पुनर्विवाह जैसे कई सारे सुपर टूपर हिट सीरियल्स में काम करने का सौभाग्य मिला, जहां एक तरफ इनका टीवी इंडस्ट्री में सिक्का बोल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने के ऑफर्स आने लगे थे, जहां इन्हें ऑफर दिया गया खामोशियां फिल्म में डेब्यू करने का, जिसके बाद वजह तुम हो, खामोशियां, लाली की शादी में लड्डू दीवाना और पलटन जैसी कई फिल्मों में काम करके गुरमीत चौधरी ने कई सारी तारीफें हासिल की। बस कुछ इसी तरह से इन्होंने अपने फेम को हासिल करने के लिए अपना इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। बता दें कि जहां आज ये शोहरत को गले लगा चुके हैं तो वहीं इन्होंने अपनी मनपसंद लड़की से भी शादी की है। आपको बता दें कि जिनका नाम देवेना बनर्जी है, जो कि इन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस हैं जिनके साथ वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा इंजॉयफुल लाइफ स्पेंड कर रही हैं। साथ ही इन्होंने 2 बच्चियों को गोद भी लिया हुआ है जिनकी ये पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक आर्मी प्रोफेशन को ना एक्सेप्ट करके गुरमीत चौधरी ने अपने डिसीजंस को लेकर सही किया या फिर गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को पाने के लिए और ऐसी ही खबरों से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।